गोवर्धन में एक बार फिर हार्दिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। बड़ा बाजार स्थित मस्जिद पर चढ़कर तोड़ा माइक। घटना के वीडियो हो रहे वायरल। घटना से क्षेत्र में फैली दहशत। वीकेंड लॉकडाउन होने पर भी दिया घटना को अंजाम। 5 युवकों ने दिया इस घटना को अंजाम। मामला मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित बड़ा बाजार का है। जय श्री राम का नारा लगाते हुए मौलवी को भड़काया तोड़ा माइक। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चंद्र समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर घटनास्थल का मुआयना कर दिया कार्रवाई का भरोसा। जनपद मथुरा से मनीष शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आपका क्या कुछ हुआ है? आप या मस्जिद में बता रहे हैं कुछ घटना हुई? मैं उतारने के लिए आए वो लोग और उसको उतार के ले गए। कौन लोग थे? लड़के थे नौजवान। क्या कर रहे थे? कुछ बात हुई आपकी? मैं उतारने के लिए आए वो लोग फिर भी बात नहीं। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ कादरी। अच्छा, क्या कुछ हुआ है? क्या घटना हुई है? मस्जिद के पास में मेरा मकान है। कुछ असामाजिक तत्व नारे लगाते हुए आए, मुँह पे कपड़ा बंधा हुआ और मस्जिद के अंदर घुस गए। मस्जिद का माइक फाइक तोड़ दिया। हमने कहा भाई ऐसा गलत है, बोले कि ऊपर से आदेश है, कुछ नहीं तुम पे जो करा जा कर लो। मतलब ऊपर से आदेश है? किसका आदेश दिखा रहे थे? अब ये नहीं पता। श्रीमान जी उनके कपड़े घाटे बंधे हुए, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। क्या किया फिर उन्होंने? मस्जिद के ऊपर चढ़ के माइक फाइक तोड़ फाड़ दिया, बोले कोई आजाने लगेगी यहाँ पे मस्जिद के अंदर बिल्कुल। अब अच्छा, माइक तोड़ दिए? हाँ जी हाँ, माइक तोड़ दिया, फेंक दिया बाजार के अंदर। इसकी सूचना आपने पुलिस को नहीं दी? नहीं सर, मैंने क्या वहाँ दिया, मैंने 112 में सर। अच्छा, वहाँ से बोले कि आपको क्या कुछ मदद चाहिए? हमने कहा मुसलमान जी पर कानूनी कार्रवाई हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो, कि ऐसी नहीं करे। हमारे गाँव के अंदर भाईचारा बना हुआ, कभी ऐसे दंगा फसा हमने देखा नहीं। 65 साल की उम्र हो गई, 65 साल में हमने कभी नहीं देखा भाईचारा बना हुआ, आपस में एक दूसरे के बाद आना जाना, खाना पीना, ब्याह शादी में। अच्छा, उन लोगों को पहचानते हैं किसी को? सर कपड़ा बंद होगा चेहरे पे उनके, पहचान नहीं पाए जी सर।